फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, इस पॉइंट की डिस्टेंस बताना है हमें। फ्रॉम द प्लेन, प्लेन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन, यानी कि कोई एक पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट है वन माइनस टू थ्री, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें प्लेन से बताना है, इस प्लेन से मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। जो ये डिस्टेंस आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये क्या है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन हुज, ये एक लाइन है ये, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस बता रखे हैं। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, हुज डायरेक्शन कोसाइंस, तो बच्चा सोचता है कि ये जो दे रखी है ये वैल्यूज हमें डायरेक्शन कोसाइंस दी है, लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ना, उसने कहा है हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे तो यानी कि ये एल एम एन होंगे, और इनके स्क्वायर्स का सम क्या आना चाहिए, वन, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, ठीक है, और माइनस सिक्स का स्क्वायर 36, ठीक। तो उसको ऐड कर लो तो क्या होगा, सम वन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। उसने कहा डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस, बट दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, डी आर एस लिखेंगे इस वाली लाइन के। अब देखो पॉइंट ये है, यानी कि अगर हम इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालना चाहें एल की, तो वो लिख सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। डी आर एस ऑफ एम, यानी कि एम क्या है, ये एक लाइन है, इसके डी आर एस क्या है, टू थ्री माइनस सिक्स, सिंस एल इज पैरेलल टू एम, एल जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, एम के, तो इक्वेशन ऑफ एल लाइन जो है उसको क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन अपॉन कितना, टू, वाई प्लस टू अपॉन कितना, थ्री, जेड माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स, ठीक है। इसको मान लो लैम्डा, तो जब तुम लैम्डा मानोगे इससे हमें क्या मिल जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो पी क्या आया, टू लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा माइनस टू, और माइनस सिक्स लैम्डा प्लस कितना, थ्री, ठीक है। सेंस यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में ये बहुत कंफ्यूज करता है, मतलब यहाँ तक का जो काम है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना है इसको। सिंस पी लाइज ऑन एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू फाइव, देयरफॉर क्या आएगा, ये टू लैम्डा प्लस वन माइनस थ्री लैम्डा माइनस टू प्लस माइनस सिक्स लैम्डा प्लस कितना, थ्री इक्वल्स टू फाइव, ठीक। तो ये टू लैम्डा प्लस वन माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस सिक्स लैम्डा प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव, ठीक। अब ये छः और तीन कितना, नौ, और ये प्लस टू, तो माइनस सेवन लैम्डा, टू प्लस वन थ्री, ठीक है, और प्लस थ्री तो कितना, सिक्स, तो ये उधर गया तो कितना, माइनस वन, तो लैम्डा आ गया कितना, वन बाई सेवन, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो पी पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ पे, जो पी पॉइंट आएगा कितना, टू बाई सेवन, टू बाई सेवन प्लस वन, ठीक है, कॉमा थ्री बाई सेवन माइनस टू, ठीक है, और माइनस सिक्स बाई सेवन प्लस कितना, थ्री, सॉल्व कर लो इसको, सात, तो ये कितना आ गया पी, नाइन बाई सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, सो माइनस इलेवन बाई सेवन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ठीक है, तो 15 बाई सेवन, ये पी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये पी पॉइंट आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना है,
मान लो ये कोई पॉइंट क्या है, क्यू है, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू, तो पी क्यू फाइंड करते हैं इसमें, पी क्यू वन माइनस 9/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 11/7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 15/7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना, तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा उस पॉइंट से।